हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियोस। मेरा नाम है विकास यादव और आप देख रहे हैं बीटी टेक्निकल विकास। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी के बारे में। जो लोग भी इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, सिंपल सी बात है, वो लोग स्टोरी जरूर लगाते होंगे। क्या आप लोगों ने सोचा है कभी कि जो आप लोग स्टोरी लगाते हैं वो स्टोरी केवल वहाँ पर 24 घंटे के लिए शो करता है? 24 घंटे बाद वो स्टोरी कहाँ जाता है? क्या वो फ़ोन में सेव होता है या वो वहाँ से डिलीट हो जाता है? वो कहाँ जाता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा, चलिए हम आप लोगों का आज बताते हैं कि वो स्टोरी आपके इंस्टाग्राम में भी वहाँ सेव रहता है। आप लोग बताएंगे वो स्टोरी कहाँ सेव होता है, आप लोग उसको दोबारा कैसे अपनी स्टोरी लगा सकते हैं या उसको आप लोग फ़ोन में सेव कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊँगा वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिए। बहुत से लोग ये पता होगा कि वो स्टोरी कहाँ पर सेव होता है, उसको कैसे उसको अपने फ़ोन में सेव किया जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। तो उनको मैं बता दूं कि जो आप लोग का फ़ोन जो फ़ोन में आप लोग इंस्टाग्राम पर आप लोग स्टोरी लगाते हैं, जो भी आप लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं वो आपके 24 घंटे के लिए वहाँ पे इंस्टाग्राम पे शो होता है। उसके बाद आप लोग को इंस्टाग्राम में ही एक जगह वहाँ पे वो स्टोरी सेव हो जाता है, वो जो हमेशा वो लाइफ टाइम के लिए सेव रहता है। जब तक आप इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे तब तक वो क्या है, वो स्टोरी सेव रहेगा। आप एक साल दो साल पहले का स्टोरी आप लगाए होंगे, वो भी क्या है, आपके इंस्टाग्राम में सेव रहता है एक जगह। तो आज मैं आप लोग बताऊँगा कि आप लोग कैसे उस स्टोरी को जो आप लोगों ने एक साल दो साल या तीन साल पहले अपने इंस्टाग्राम पर लगाया था उसको कैसे आप लोग फ़ोन में सेव कर सकते हैं या दोबारा उसको स्टोरी लगा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब मैं आप लोग अपने फ़ोन स्क्रीन के द्वारा बताऊंगा कि वो स्टोरी कहाँ सेव रहता है, उसको कैसे आप लोग फ़ोन में सेव कर सकते हैं या इसको दोबारा स्टोरी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ऑन करते हैं। चलिए ऑन करते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ऑन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आप लोग नीचे जो आप लोग का प्रोफाइल होगा उस पर क्लिक करिएगा, जो फोटो दिख रहा होगा देखिए उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद कुछ ऐसा आप लोग का प्रोफाइल खुल करेगा, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। फिर ऊपर देखिए जो तीन डॉट दिख रहा है, तीन लाइन ऊपर कॉर्नर में, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसका देखिए कुछ सेटिंग कुछ ऑप्शन आएगा, सेटिंग अचीव या इनसाइट और सभी सेटिंग है ऑप्शन है, तो उसमें आप सेकेंड नंबर क्या सेटिंग के बाद नीचे अचीव एक ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा। और चिप पर क्लिक करने में देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अगर आप लोगों के पास ऐसा नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे कुछ नीचे लिख कर आएगा जिसको ऑन करना पड़ेगा, तो उसको आप ऑन कीजिएगा तब ऐसा दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसा दिखेगा, देखिए यहाँ पे जितने भी आप लोग स्टोरी लगाएंगे एक साल पहले या दो साल पहले, जब भी आप लोग स्टोरी लगाएंगे या 24 घंटे बाद जो भी स्टोरी आप लोग लगाते होंगे, 24 घंटे बाद वो क्या है, वहाँ से आप हट के यहाँ पे आपको सेव हो जाता है। यहाँ पे वो स्टोरी हमेशा के लिए क्या है, यहाँ पे सेव रहता है जब तक आप खुद डिलीट ना करें, ठीक है। जो भी स्टोरी आप देख सकते हैं एक साल पहले या दो साल पहले या जो भी होगा, स्टोरी यहाँ पे सेव रहेगा। आप सपोज आज आपने 5 स्टोरी लगाया तो ठीक है, तो 5 स्टोरी क्या अलग अलग ऐसे फाइल बन के आप लोगों को दिखेगा। तो यहाँ आप लोगों को जो भी स्टोरी पसंद आए या जो भी स्टोरी की आप लोग को जरूरत पड़ेगी उसको आप यहाँ से आप लोग आसानी से क्या है, उसको अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं गैलरी में या उसको दोबारा स्टोरी पे लगा सकते हैं। चलिए आप लोग बताते हैं कि कैसे आप लोग इसको दोबारा स्टोरी लगा सकते हैं या उसको फ़ोन में अपने सेव कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक फ़ोटो लगा था 28 मई की स्टोरी, ठीक है। तो नीचे देखिए यहाँ पे शेयर लिखा है, शेयर पे क्लिक करें तो यहाँ से क्या आप दोबारा इसको स्टोरी पे लगा सकते हैं। और जो लास्ट में 3 डॉट दिख रहा है मोर, उस पर जाकर आप क्या है उसको क्लिक करें तो यहाँ सेव फोटो दिखा रहा है सेकेंड ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करें तो क्या है गैलरी में आपके सेव हो जाएगा। कोई भी स्टोरी का क्लिक करेंगे नीचे 3 ऑप्शन आएगा, शेयर, हाईलाइट और मोर। शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप स्टोरी दोबारा लगा सकते हैं, हाईलाइट पे आप अपनी हाईलाइट लगा सकते हैं, और मोर में जाकर आप उसको गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जो फोटो हम सेव किए वो गैलरी में सेव हुआ कि नहीं। तो मैं अपनी गैलरी खोलता हूँ, दिखाता हूँ आपको सेव हुआ कि नहीं। देखिए ये जो फोटो मैं वहाँ सेव किया था, देखिए यहाँ पे वो गैलरी में दिखा रहा है, वो सेव हो चुका है। तो ऐसे आप लोग कोई भी इंस्टाग्राम की स्टोरी को आप लोग अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं या दोबारा उसको आप लोग स्टोरी पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते। जय हिंद। जय भारत।